नमस्कार दोस्तों, कलम तारना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो में है, हमारा चर्चा का विषय रहेगा 2022 तक जो सारे मकान पक्के होने हैं, उस सब्जेक्ट पे ही हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2022 तक का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा है कि गाँव हो या शहर हो, देश का हर नागरिक जो कि एक कच्चे मकानों में रह रहा है, उसका मकान पक्का करने के लिए, तो देखिए ये काफ़ी कठिन काम है, कठिन भी नहीं है वैसे, लेकिन जो है उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको बताऊं किन किन लोगों को जो है ऐसे ना भ्रष्टाचार बहुत है ना, इसलिए मैं कठिन बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार इतना है कि बहुत ज़्यादा है, जो पात्र हैं वो रह जाते हैं, जो अपात्र हैं वो हाथ मार जाते हैं, ठीक है। तो देखियो मैं बताऊँ आपको कि किस तरीके से आपको जो है इसमें भाग लेना है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो 2022 तक का लक्ष्य मकान बनाने का है, उसमें कुछ लोगों की नाम की सूची है, यानी कि 2011 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार ही जो जिन लोगों का उस सर्वे में नाम है, वही नाम के अनुसार इसके पात्र होंगे, ठीक है। तो उनमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे नाम है किसी के पास लेकिन अब मकान जो है उनका पक्का हो चुका है, तो वो जो है उसमें पात्र नहीं है। देखिए जो भूमिहीन है ये उनके लिए है, गरीब आदमी के लिए है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं, ये उनके लिए योजना है, उन लोगों के लिए नहीं है जो पैसे वाले हैं या जो है काफ़ी जो है उनका व्यवसाय अच्छा है, दो पहिया चार पहिया वाहन है या कोई किस तरीके का काफ़ी, यानी कि बिल्कुल जो गरीब आदमी है उनके कुछ नहीं है, उनके लिए योजना है। तो 2011 की जो लिस्ट की सूची है वो किस तरह से निकाली जाएगी, मैं आपको इसमें इस वीडियो में अपनी बता जा रहा हूँ। तो जो पात्र लोग होंगे उन्हीं के बारे में, पात्र हैं उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर में चल के शुरू करते हैं। लिस्ट 2011 देखिए, ऊपर वाला जो साइड है इसको खोल दीजिए, SECC लिस्ट ऑफ हाउस होल्डर। इसमें देखिए ये प्रेस जो विंडो नई विंडो खुल आई है, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए अपना, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। तहसील आपको देखिए ठाहुदारा चुननी है, जो मैं अपना बता दे रहा हूँ, जो आपको अपना है वो बता देना, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पर चुन लीजिए आप, देखो धारूपुरी आ गया, ठीक है। हम अपना गांव में ना चुन लिया है, इसमें इसको हमें सबमिट कर देना है। अब देखिए ये लिस्ट जो है आपके सामने खुल के आ चुकी है सारा। तो इसमें जो भी नाम है आपका, इन लोगों को जो है आपको मकान उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस सारी लिस्ट को इसकी कॉपी करके रख लीजिए आप। दोस्तों इस लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये डाउनलोड इन एक्सेल ये लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, सबसे नीचे लिख रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं आप और यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड इन एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे आप तो जैसे ही एक नई विंडो आपको खुल जाएगी, तो ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बजाय हमको इसको सेव करके रख लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेव करने के लिए देखिए आपको जो है इसको सेव कर लीजिए, ये डाउनलोड हमारी हो गई है एक्सेल में, आपकी ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए सारी जो है लिस्ट आपकी आ चुकी है। तो ये लिस्ट आपने जो डाउनलोड की है, इसी लिस्ट के अनुसार आपको जो है मकान उपलब्ध कर जाएगा।